बोलिए बाबू साहब महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की। दो मिनट के लिए अपनी सीट ग्रैंड करें एक बार। एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई और खासकर हमारे भाई शुभम जी, एक बार जोरदार तालियां जिन्होंने ये, मेरे को नाम याद है, जो को दो दिन कमेटी के मेंबर हैं। लक्ष्मी नारायण जी, रोशन जी, श्यामलाल जी, एक बार जोरदार तालियां के लिए। लक्ष्मी नारायण जी, सोनू जी, रोशन लखवाल जी, श्यामलाल जी, बाकी समस्त सभी के नाम मैं ले नहीं पाऊंगा, माफी चाहूंगा इसके लिए। आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां मारेंगे। हमारी ये यात्रा आज की बहुत बहुत ज्यादा सफल रही है, सभी को तहे दिल से बधाई। सभी भक्तों से निवेदन है, एक एक बार अपनी जगह पर बैठ जाए। भाई साहब गर्मी नहीं है ना इस दरबार में, गर्मी लग रही है। देखो एक बार सब अपनी जगह बैठ, क्योंकि कुछ भक्त इसमें ऐसे हैं जो शायद पहले आ चुके हों, और ज्यादातर भक्त मैं देख रहा हूँ पहली बार आए हैं एग्जाम पर। कौन कौन पहली बार आया? हाँ, लगभग 99% पहली बार आए। तो जिस धाम पर आप लोग आए हो, आपको ये पता होना चाहिए कि बाबू साहब कौन है, क्योंकि बाबू साहब का नाम जरूर सुना होगा आपने, टीवी पे आरती देखी होगी, लेकिन बाबू साहब का धाम चुरू है। भाई आज आपको भाई साहब लेके आए हैं, तो हम लोग सब आए हो, लेकिन किस लिए आए हो? बाबू साहब कौन है? मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा आपका, लेकिन एक 5-10 मिनट में मैं आपको बाबू साहब के बारे में बता देता हूँ। जिस जगह पर आप लोग बैठे हुए हैं, ये बाबू साहब का जन्म स्थान है। बाबू साहब यहीं रहते थे, यहीं पैदा हुए थे। और बाबू साहब का जो बारे में मैं बताता हूँ आपको, कि बाबू साहब के जो मदर फादर थे वो बालाजी के भगत थे, और बालाजी ने उनको ये वरदान दिया था कि मैं आपके यहाँ जन्म लूँगा और 17 साल तक रहूँगा। उसी हिसाब से बाबू साहब का जन्म हुआ, बालाजी का जन्म बाबू साहब के रूप में, और वो 17 साल तक रहे, उसके बाद स्वर्ग सिधार गए थे। और टीवी पे जो आप आरती देखते हो, मंजू भाई साहब ये सामने फोटो लगी है, ये दिल्ली रहती हैं, ये बाबू साहब के परिवार में से ही हैं। 3-4 पीढ़ी का गैप है, बाबू साहब इनके मुँह से बोलते हैं। कभी भी कोई समस्या है आपके परिवार एक है, आर्थिक है, कुछ भी अगर आप उनसे पूछना चाहोगे तो आप तो जरूर बताएंगे। और आज तक कोई भगत ऐसा नहीं है जिसको भाई साहब ने कुछ बताया हो और उसका वो कार्य सिद्ध ना हुआ हो। जिस दरबार में आप आए हो, इस दरबार से कभी कोई खाली गया नहीं, क्योंकि ये वो दरबार है, इस दरबार से जिसने भी अरदास लगाई है बाबू साहब ने उसको जरूर दिया है, अगर उसके हित में था। जिस भगत ने टीवी के सामने बैठ के बाबू साहब से मांगा था, उसको भी मिला। कई बार हम भगत आते हैं, पूछते हैं कि आप दरबार में आए हो, बाबू साहब से कुछ मांगो, वो कहते हैं हमने टीवी के सामने मांगा था, हमारी अरदास पूरी हुई है, हम मत्था टेक रहे हैं। तो आप भी बाबू साहब को बर्बाद, जो हमारी इच्छा है, जो आपकी कमी है, जो समस्या है, एक बार बाबू साहब को जरूर बोल के जाना। बाबू साहब कहना, बाबू साहब अगर हमारी पूरी होगी तो हम जरूर आएंगे आपके पास, और वो भी आप ही बुलाओगे, कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। जब तक देवता नहीं बुलाता जब तक कोई नहीं आता। और हर महीने शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है वो बाबू साहब का दिन रहता है, लेकिन साल में 3 पंचमियाँ इनकी मुख्य हैं। बसंत पंचमी फरवरी में जो आती है उसमें बाबू साहब का जन्मदिवस है। अभी अगस्त में जो पंचमी आएगी भादवा की, उसमें स्वर्ग सिधारे थे। और जो मिंगसर में दिवाली के बाद पंचमी आती है, उसमें बाबू साहब का राज तिलक हुआ था, सबसे बड़ा बाबू साहब का मेला लगता है। जो टीवी पे आप लोग आरती देखते हो और वो भीड़ देखते हो, उस मेले के समय की है वो। तो बाबू साहब की ये 3 पंचमी हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और इस दरबार में आप आए हो, बाबू साहब को अरदास लगाओ। अभी आप जाते समय बाबू साहब की बड़ी मूर्ति है 80 फुट ऊंची, शायद अभी लोग आए हो तो रास्ते में नजर भी आई हो, नहीं हो भाई साहब आप इनको एक बार जाओगे तो लेते हुए जाना, तो उस मूर्ति पे भी मत्था टेक के जरूर जाना। और मेरा तो यही कहना है कि हमारे पास एक ग्रुप बना हुआ है बाबू साहब का,
जिसमें भगत अगर आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर उसमें आप ऐड कर दीजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आपके पास बाबूसा के जो भी प्रोग्राम होंगे उसका मैसेज आएगा, टीवी पर मोबाइल पर आएगा, आप देख सकते हैं। बाबूसा की जब भी यात्रा निकलती है पंजाब में तो आपको मैसेज आएगा। अगर वो आपके शहर से निकलेगी तो भी आप अटेंड कर सकते हो, और अगर आसपास कहीं होगी तो जा सकते हो, टीवी पर देख सकते हो। तो जो भगत अपना मोबाइल नंबर ऐड कराना चाहे रजिस्टर है, सभी लोग अपना अपना नाम इसमें रजिस्टर में लिख दो, जो रह जाता है वो शुभम जी को दे देना, वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं उनको ऐड कर दूंगा। जय श्री राम। सभी लोग एक एक करके प्रसाद भी ले लेना, कोई बिना प्रसाद के नहीं।